देश विदेश में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कई प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी की, साथ ही कई कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभु की लीला का वर्णन भी किया। इसी के चलते दिल्ली के पंजाबी बाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रहा खरबंदा फैमिली, जिस परिवार के सदस्य जादूगर अशोक खरबंदा ने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान खरबंदा ने आध्यात्मिक जादू दिखाया। साथ ही पंजाबी बाग में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आयोजक समिति के प्रधान डॉक्टर राम बाबू सिंघल का जादुई माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आयोजन समिति के प्रधान डॉक्टर राम बाबू सिंघल, आयोजक समिति के महामंत्री राजकुमार गर्ग और समिति के अन्य पदाधिकारियों ने मशहूर जादूगर अशोक खरबंदा, उनके बेटे जादूगर सुमित खरबंदा और इल्यूजनिस्ट राहुल खरबंदा का माला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल इस कार्यक्रम के द्वारा डिजिटल शो भी किए गए। साथ ही कोविड-19 की महामारी और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर यह कार्यक्रम किया गया था। ये आप सबके बिहाफ पे और उन सबके बिहाफ पे प्रधान जी का जादू स्वागत। 1, 2, 3 बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहारे आएंगे तो फूल भी खिलेंगे, बहारे आएंगे तो फूल भी खिलेंगे। अगर हमारे श्री कृष्ण भगवान चाहेंगे तो ऐसे मौके बार बार मिलेंगे। स्वागत करेंगे प्रधान जी खरबंदा जी का, भाई सुमित जी का स्वागत करेंगे, अशोक जी भाई, राहुल भाई, राहुल जी का स्वागत करेंगे, सतपाल गर्ग जी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई अशोक खरबंदा जी, राहुल खरबंदा जी, सुमित खरबंदा जी और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक इस बार भी खबरें जारी है, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।